नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर जया गावड़े जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स मर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। सो दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग बीकॉम सिक्स सेमिस्टर के लिए। तो जैसे हमने रेशोज ऑफ बैलेंस शीट हमने शुरू किया था, उसके तहत हम आज का ये प्रॉब्लम नंबर वन देखने वाले हैं। प्रॉब्लम नंबर वन, रेशोज रिलेटेड टू बैलेंस शीट। ओके, बैलेंस शीट से रिलेटेड जो भी रेशोज हमें कैलकुलेट करने हैं उसका एक प्रॉब्लम यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक ओपन करके आपको प्रॉब्लम अपनी कॉपी में नोट करना है और सोल्यूशन के लिए आगे वीडियो देखना है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, क्या पूछा गया है वो जान लेते हैं और फिर बाद में हम सोल्यूशन शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ नरगिस लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2018 वॉज एज अंडर। ओके, नरगिस कंपनी लिमिटेड की बैलेंस शीट हमें दी गई है, उसमें लायबिलिटीज एंड असेट्स। देन नीचे आपको अदर इन्फॉर्मेशन दी है, सेल्स फॉर द ईयर ₹4 लाख, कॉस्ट ऑफ सेल ₹2 लाख 40,000। ओके, कॉस्ट ऑफ सेल्स मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ₹2 लाख 40,000। ओके, देन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशोज। आपको क्या कैलकुलेट करना है, तो फर्स्ट है करंट रेशो, सेकेंड क्विक रेशो, थर्ड इन्वेंटरी रेशो, फोर्थ है एवरेज कलेक्शन पीरियड एंड फिफ्थ है डेप्ट इक्विटी रेशियो। ओके, तो फर्स्ट कैलकुलेशन क्या है हमारा, फर्स्ट वन बाय वन जैसे हमें कैलकुलेट करना है वन बाय वन सीक्वेंस से हम कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट रेशियो है हमारा करंट रेशियो। ओके, तो करंट रेशियो पहले कैलकुलेट करेंगे। तो करंट रेशियो के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट करंट रेशियो, करंट रेशो का क्या फॉर्मूला है, करंट रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, तो करंट रेशो इज इक्वल टू करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ओके, करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो अब देखते हैं करंट, तो हमें क्या पता रहना चाहिए, क्या मालूम चाहिए, करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो सबसे पहले हमें करंट असेट्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी, देन करंट लायबिलिटीज। तो सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं करंट असेट्स का। तो करंट असेट्स कैसे कैलकुलेट होगी, तो करंट असेट्स इज इक्वल टू क्या क्या है करंट असेट्स में, देखिए गुडविल आएगा क्या, नहीं आएगा, फिक्स्ड असेट है वो तो। देन प्लांट एंड मशीनरी नहीं आएगा, स्टॉक करंट असेट्स में आता है तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, स्टॉक। देन प्लस डेटर्स करंट असेट है, कैश भी करंट असेट्स है हमारी, तो कैश प्लस मिसलेनियस असेट्स, तो वो भी हमारी करंट असेट्स में आएगी, मिसलेनियस असेट्स। ओके, अब जो उसकी वैल्यूज है, स्टॉक की वैल्यू है 80,000, डेटर्स है 45,000, देन कैश 17,000 एंड मिसलेनियस असेट्स से 8,000। ओके, अगर इन सब की टोटल अगर करते हैं हम, तो हमें करंट असेट्स मिलती है 1,50,000। यहाँ पे करंट असेट्स 1,50,000 करंट असेट्स कितनी है हमारे पास, 1,50,000। ओके, देन सेकंड कैलकुलेशन, सॉरी फर्स्ट करंट असेट्स हो गया, अब इसमें से सेकंड क्या चाहिए हमें, करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे करंट लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू क्या क्या आएगा करंट लायबिलिटीज में, देखिए शेयर कैपिटल, सरप्लस आता है क्या, नहीं, शेयर होल्डर्स फंड है वो। ओके, डिबेंचर्स आएगा क्या करंट लायबिलिटीज में, डिबेंचर्स करंट लायबिलिटीज का हिस्सा है, नहीं है। ओके, देन उसके बाद क्या है, क्रेडिटर्स, तो यहाँ पे क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी है हमारी, क्रेडिटर्स प्लस उसके बाद बिल्स पेएबल करंट लायबिलिटी है, बिल्स पेएबल एड होगा उसमें अदर करंट लायबिलिटीज,
ओके अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं। क्रेडिटर्स की वैल्यू है, क्रेडिटर्स कितने हैं 40,000, ओके। बिल्स पेएबल है 20,000 और अदर करंट लायबिलिटी है 2,000। टोटल इसकी करते हैं तो हमें करंट लायबिलिटीज कुल मिला के मिलती है 62,000। तो यहाँ पे करंट लायबिलिटीज 62,000, ओके। अब देखते हैं करंट रेशो, अब कैलकुलेट करते हैं करंट रेशो, ओके। तो करंट रेशो इज इक्वल टू करंट असेट्स कितनी है 1,50,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी 62,000। तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 62,000 तो करंट रेशो मिलता है हमें 2.4। अब ये जो करंट रेशो है इसे लिखना है हमें प्रोपोर्शन में, तो यहाँ पे 2.4:1 प्रोपोर्शन कैसा लिखेंगे 2.4:1, ओके। तो ये हुआ फर्स्ट कैलकुलेशन हमारा करंट रेशो 2.4:1। देन नेक्स्ट सेकंड कैलकुलेशन क्या है, क्विक रेशो। जैसे मैंने आपको कहा था क्विक रेशो इट मींस लिक्विड रेशो, और उसी का दूसरा नाम है एसिड टेस्ट रेशो। तो चलिए क्विक रेशो देखते हैं, QUICK, क्विक और लिक्विड रेशो, ओके। क्विक रेशो का क्या फॉर्मूला है, क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटीज, ओके। तो क्विक असेट्स कैसे कैलकुलेट होती है, तो क्विक असेट्स पहले कैलकुलेट करेंगे, क्विक लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे और देन इसके बाद क्विक रेशो कैलकुलेट करेंगे। तो क्विक असेट्स इज इक्वल टू कैसे कैलकुलेट होती है, करंट असेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर लेस कर देते हैं तो क्विक असेट्स हमें मिलती है, यहाँ पे स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, ओके। तो स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस में से क्या हमारे पास है, करंट असेट्स टोटल है हमारे पास 1,50,000, ओके। स्टॉक 80,000, ओके। प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन है क्या, नहीं है, यहाँ पे क्विक असेट्स हम कैलकुलेट करेंगे। तो 1,50,000 में से 80,000 गए तो यहाँ पे क्विक असेट्स मिलती है 70,000। क्विक असेट्स कितनी है हमारे पास, ₹70,000, ओके। देन नेक्स्ट चाहिए हमें क्विक लायबिलिटीज, क्या चाहिए, क्विक लायबिलिटीज। क्विक लायबिलिटीज कैसे मिलेगी, करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ पे करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओडी ओवरड्राफ्ट, ओके। यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है क्या क्वेश्चन में, नहीं, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेएबल है, करंट लायबिलिटीज है, बैंक ओवरड्राफ्ट कहीं पे भी नहीं है। तो यहाँ पे डायरेक्टली जो करंट लायबिलिटी है हमारी, वो करंट लायबिलिटी ही हमारी क्विक लायबिलिटीज रहेंगी। यहाँ पे क्विक लायबिलिटीज कितनी है 62,000, ओके। क्विक लायबिलिटीज कितनी है 62,000। अब इसके बेस पे हम कैलकुलेट करते हैं क्विक रेशो। क्या फॉर्मूला है क्विक रेशो का, क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटीज, ओके। क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटीज, देखिए क्विक असेट्स कितनी है 70,000, क्विक लायबिलिटी कितनी है 62,000। तो हम कैसे करेंगे इसको, 70,000 डिवाइडेड बाय 62,000। तो यहाँ पे जो क्विक रेशो है वो क्विक रेशो आता है हमारा 1.1, ओके 1.1। इसको कैसे लिखना है, प्रोपोर्शन में, तो कैसे लिखेंगे 1:1। तो यहाँ पे क्विक रेशो 1.1:1, ओके। क्विक रेशो कितना आया है, एसिड टेस्ट रेशो, लिक्विड रेशो कितना आया है हमारा 1.1:1। कैसे कैलकुलेट किया समझ में आया, जो करंट असेट्स है, करंट असेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस लेस करेंगे तो क्विक असेट्स मिलती है। क्विक लायबिलिटी के लिए करंट लायबिलिटीज में से अगर बैंक ओवरड्राफ्ट लेस करते हैं तो क्विक लायबिलिटी मिलती है। क्विक असेट डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटी अगर कर देते हैं तो क्विक रेशो, क्लियर। तो दो कैलकुलेशन हमारे हुए, करंट रेशो और दूसरा है
ये हुआ करंट रेशियो और दूसरा है क्विक रेशियो। क्लियर। थर्ड देखते हैं, थर्ड कैलकुलेशन क्या है, इन्वेंटरी टर्नओवर। ओके, इन्वेंटरी टर्नओवर मींस स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ओके, तो इन्वेंटरी टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो इन्वेंटरी टर्नओवर के लिए हमें क्या चाहिए, इन्वेंटरी टर्नओवर और स्टॉक टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। यहाँ पे क्या चाहिए हमें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। ओके, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास है क्या, नहीं है, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सॉरी, कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें ऑलरेडी गिवन है, इट मींस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक गिवन है क्या, नहीं है, तो मैंने आपको क्या कहा था कि अगर एवरेज स्टॉक गिवन नहीं है तो कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए हमारे पास, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कहीं पे भी आपको नजर आ रहा है क्या, देखिए है क्या, नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास है बैलेंस शीट के असेट साइड में। तो अगर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों हमें क्लियरली अवेलेबल नहीं है, या फिर ओपनिंग स्टॉक क्लियर अवेलेबल नहीं है, तो उस वक्त हम एवरेज स्टॉक के जगह पे क्लोजिंग स्टॉक का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्लोजिंग स्टॉक यूज करेंगे। ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखिए कितना है, 240,000। ओके, एवरेज स्टॉक मीन्स क्लोजिंग स्टॉक यहाँ अगर यूज करते हैं हम तो वो कितना है, 80,000। ओके, आंसर आएगा 3। और टर्नओवर रेशियो है, ओके, तो इसे क्या लिखेंगे हम, टाइम्स। यहाँ पे 3 टाइम्स स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना है, 3 टाइम्स। ओके, तो ये हुआ हमारा थर्ड कैलकुलेशन। अब देखते हैं फोर्थ। फोर्थ कैलकुलेशन में क्या कहा है, एवरेज कलेक्शन पीरियड। ओके, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड के लिए सबसे पहले हमें एक तो एवरेज कलेक्शन, तो सबसे पहले हमें डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकालना है, या फिर डायरेक्टली भी हम ले सकते हैं। अगर देखिए आप सबसे पहले अगर डेटर्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो डेटर्स टर्नओवर का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला है, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय, फॉर्मूला क्या है, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। ओके, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। तो एवरेज डेटर्स के लिए ओपनिंग क्लोजिंग गिवन नहीं है, तो डायरेक्टली हम जितने डेटर्स अवेलेबल है वो ले लेते हैं। नेट क्रेडिट सेल्स हमें पता है 4 लाख। ओके, 4 लाख डिवाइडेड बाय डेटर्स 45,000 कर लो, 4 लाख डिवाइडेड बाय 45,000, तो वो 8.8 टाइम्स आएगा। ओके, इसका कैलकुलेशन आप रफ में भी कर सकते हैं। ओके, और देन आपको अभी कैलकुलेट करना है एवरेज कलेक्शन पीरियड। ओके, सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे डेटर्स टर्नओवर रेशियो। ओके, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, इसका मैं आपको आज दूसरा भी एक फॉर्मूला बताऊंगी डायरेक्ट एवरेज कलेक्शन पीरियड का। ओके, पहले डेटर्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे डेटर्स टर्नओवर रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। ओके, नेट क्रेडिट सेल्स गिवन है हमें 4 लाख। ओके, कितना गिवन है, रुपीज 4 लाख। डेटर्स क्लोजिंग के, डेटर्स ओपनिंग के पता नहीं है, डायरेक्टली क्लोजिंग के है तो जो है बोलेंगे हम 45,000। ओके, तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 45,000, तो यहाँ पे 8.8 टाइम्स टर्नओवर रेशियो है, तो यहाँ पे टाइम्स, तो यहाँ पे डेटर्स टर्नओवर रेशियो कितना आया है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो 8.8 टाइम्स। ओके, अब इसका दूसरा, इसका जो हमें एक्चुअल में क्या निकालना है यहाँ पे, एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला है यहाँ पे एवरेज कलेक्शन पीरियड। ओके, यहाँ पे ये हमारा मेन सॉल्यूशन है इसका, फोर्थ का
यहाँ पे एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज ऑब्लिक नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो। यहाँ पे नंबर ऑफ डेज लेते हैं और डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो। ओके, तो नंबर ऑफ डेज अगर यहाँ पे लिए हमने 365 डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो 8.8। ओके, तो हमें यहाँ पे मिलते हैं 41.47 है। ओके, यहाँ पे 41 डेज, कितने 41 डेज। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है हमारा, एवरेज कलेक्शन पीरियड 41 डेज। इसका एक एवरेज कलेक्शन पीरियड का दूसरा भी एक फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला ये है कि जो डेटर्स टर्नओवर रेशियो हमने कैलकुलेट किया है वो डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला जो है उसको हमें उल्टा कर देना है। ओके, अब उल्टा कैसे, कि जो डिनोमिनेटर है वो नॉमिनेटर बन जाएगा और जो नॉमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। ओके, यहाँ पे फॉर्मूला कैसे बने और मल्टीप्लाई बाय 365 हो जाएगा। ओके, तो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा फिर एवरेज कलेक्शन पीरियड का, एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365। ओके, तो वैसे भी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आप देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर 45 डिवाइडेड बाय 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 365 भी आप करते हैं तो आपको 41 डेज आंसर मिल जाएगा, करके देख लीजिए। ओके, तो ये हुआ हमारा फोर्थ कैलकुलेशन। देन देखते हैं फिफ्थ कैलकुलेशन है हमारा डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। क्या है फिफ्थ कैलकुलेशन, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। अब डेप्ट टू इक्विटी में क्या आएगा, तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेप्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। ओके, तो डेप्ट में क्या क्या आएगा और इक्विटी में क्या क्या आएगा, तो चलिए पहले कैलकुलेट करते हैं डेप्ट और इक्विटी। तो सबसे पहले डेप्ट कैलकुलेट करेंगे, तो डेप्ट में देखिए क्या क्या आएगा, डिबेंचर्स ओके प्लस क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल, डेप्ट में है ऑल एक्सटर्नल डेप्ट। ओके, बिल्स पेएबल प्लस अदर करंट लायबिलिटीज। ओके, तो सारे जो अदर एक्सटर्नल डेप्ट है वो यहाँ पे आएगी। तो देखिए डिबेंचर्स 1 लाख प्लस क्रेडिटर्स 40,000 प्लस बिल्स पेएबल 20,000 प्लस अदर करंट लायबिलिटीज 2,000, यहाँ पे 1,62,000 डेप्ट कितनी आई है, 1,62,000। ओके, अब देखते हैं इक्विटी। ओके, तो इक्विटी में क्या क्या आएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल और सरप्लस, तो यहाँ पे शेयर कैपिटल प्लस सरप्लस, पीएनएल अकाउंट का बैलेंस रहता है तो वो पीएनएल अकाउंट का बैलेंस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रहता है तो वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओके, जनरल रिजर्व इस तरह से। तो शेयर कैपिटल देखिए, शेयर कैपिटल कितना है 2 लाख। ओके, सरप्लस कितना है 58,000, तो यहाँ पे इक्विटी कितना हो जाएगा 2,58,000। ओके, इक्विटी कितना है 2,58,000। ओके, अब डेप्ट टू इक्विटी रेशियो कितना आएगा हमारा, देखिए डेप्ट कितनी है हमारे पास 1,62,000, इक्विटी कितनी है 2,58,000, तो यहाँ पे 2,58,000। तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो हमें मिलता है 0.62। ओके, 0.62, और ये डेप्ट टू इक्विटी है तो इसे हमें लगाना है इस टू। यहाँ पे लिखती हूँ मैं डेप्ट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू 0.62:1। ओके, हमें लिखना है इसे इस टू 1। ओके, तो इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, डेप्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी, एक्सटर्नल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय इंटरनल लायबिलिटीज, और एक्सटर्नल फंड्स डिवाइडेड बाय आउटसाइडर फंड्स डिवाइडेड बाय
इंटरनल फंड्स। ओके, तो इस तरह से डेट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट होगा। तो आज का ये फर्स्ट प्रॉब्लम हमने देखा है रेशियोज रिलेटेड टू बैलेंस शीट, जिसमें हमने पांच रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं। ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी किया था, लेकिन यहाँ पे चार रेशियो मेनली आए हैं, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो और सॉरी एवरेज कलेक्शन पीरियड और यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो। और एक और प्रॉब्लम हम लेंगे जिसमें डीप में हम देखेंगे और दो चार रेशियोज इसमें ऐड करेंगे। फिर मिलेंगे, आज यहीं पे रुकते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।